मोहम्मद मुस्तफा के विवादित बयान ने फड़ी रफ्तार। भाजपा की शिकायत से मुस्तफा खिलाफ हुई FIR दर्ज। कैबिनेट मंत्री रजिया सुल्ताना के पति नवजोत सिद्धू के सलाहकार मोहम्मद मुस्तफा से उन्होंने वालों दिए विवादित बयान को लेकर FIR दर्ज की गई है। पंजाब में 20 फरवरी को विधानसभा चोणों के लिए वोटिंग है। सारिया सियासी पार्टियां ने अपनी पूरी वाह ला दी है। पंजाब कांग्रेस पार्टी प्रधान नवजोत सिद्धू के सलाहकार सबका DGP मोहम्मद मुस्तफा ने हिंदुओं खिलाफ अजिहे च विवादित बयान दे दिता है। यह बयान सामने आने तो बाद पंजाब का माहौल तनावपूर्ण हो गया। दूजे पासे भाजपा ने मोहम्मद मुस्तफा से उसकी पत्नी रजिया सुल्ताना विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग की है। भाजपा ने चोण कमीशन को शिकायत दी है। भाजपा बुलारे संबित पात्रा ने राहुल गांधी को यह सवाल किया कि की ओह मुस्तफा नूं मोहरा बना के पंजाब दे हालात खराब करना चाहते ने। उधर FIR ते प्रतिक्रिया दिंदे मुस्तफा ने इस नूं पूरी तरह बकवास करार दिता है। उन्होंने कहा है कि वह हिंदुओं नूं निशाना नहीं बनाना चाहते सी, जिवें कि सोशल मीडिया से दोष लगाया जा रहा है। उन्होंने फिटने शब्द की वरतों की सी, जिसका अर्थ है कानून तोड़न वाले। वह मुसलमाना के एक समूह तो नाराज से, जिन्होंने उन्होंने हमला करने की कोशिश की सी। उन्होंने चेतावनी दे के कहा सी हिंदुओं नूं नहीं। तुहानू दस दईए कि वीडियो विच मुस्तफा कह रहे सी कि वह अल्लाह की कसम खा के कहते हैं कि उन्होंने कोई भी जलसा नहीं होने देंगे। ਉਹ ਕੌਮੀ ਏਜੰਟ ਨੇ, ਉਹ RSS ਦੇ ਏਜੰਟ ਨਹੀਂ ਜੋ ਡਰ ਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਹੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਮਾਰਨਗੇ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ TV ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ।